दोस्तों, कारगिल से लेह का 210 किलोमीटर का सफर बहुत ही इंटरेस्टिंग सफर है। दोस्तों, ब्यूटीफुल से लैंडस्केप्स, नीला आसमान और हर मोड़ पर एक बहुत ही सुंदर व्यू आपका मन मोह लेगा। दोस्तों, कारगिल से निकलते 55 किलोमीटर्स के बाद नमिकला पास आ जाता है। नमिकला पास हिमालयस का झांस्का रेंज का हाई माउंटेन पास है, जो कि 12,198 फीट एल्टीट्यूड पर है। इट्स अ ब्यूटीफुल पास। दोस्तों, लेह लैंड ऑफ पर्निस ट्रीज के नाम से भी जाना जाता है। मुलबेक, इलाची, नीमू, बहुत सारी बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पे मोनेस्ट्रीज हैं। बोध खबरू से निकल रही थी तो एक एक्टिविटी लग रहा था कि चल रही है। पता करने पर ये पता चला कि यहाँ के लोग काफ़ी दूर से पैदल यात्रा कर रहे हैं टू सेव द एनवायरनमेंट ऑफ लेह लद्दाख, और इन्होंने बोध खबरू तक पैदल ही जाना था। जी हाँ दोस्तों, ये है झांस्कर और इंडस रिवर्स का संगम। ये झांस्कर रिवर विंटर्स में बिल्कुल ही जम जाती है, और जो कि फेमस चद्दर ट्रैक के नाम से भी जानी जाती है। कारगिल से चलते ले तक कब पहुंच गए और रास्ते में इतने ब्यूटीफुल
व्यू देखने को मिले कि आंख झपकने को भी दिल नहीं कर रहा था। पहाड़ों के ऊपर ऊपर बादलों का साया देखकर तो ऐसे लग रहा था कि बादल बहुत ही पास है। ले पहुंचने से 25 किलोमीटर पहले गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब आता है, जहां पर कि आप ये हैरान हो जाते हो देख के कि जो आर्मी के जवान हैं वो वहां पर हमारी सुविधा के लिए हैं और वो गुरुद्वारा साहब की देखरेख करते हैं। यहाँ पर रुककर हर टूरिस्ट कुछ देर के लिए आराम करता है और गुरु साहब के दर्शन कर कर फिर ही ले को निकलता है। दोस्तों, चांद को देखना और चांद पर जाना ये सपना हर एक का होता है, लेकिन अगर आप ले के रास्ते में जा रहे हैं तो एक ले के रास्ते में ऐसा पोर्शन आता है कि कुछ एरिया तो आपको लगता है कि आप चांद पर ही आ गए हो। ये पड़ता है मूनलैंड एरिया।